नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नहीं रेजिडेंट वाल नहीं। ये अल्मोड़ा देने वाली मेन रोड से अंदर की तरफ झांकर सेन जी के लिए रोड। आखिरकार हम लोग झांकर सेन जी के चरणों में पहुंच चुके हैं। ये झांकर सेन जी का तिलक है जो कि मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद ये मुख्य मंदिर है और ये सामने प्रवेश द्वार है जहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश मिलता है। जिनकी इच्छाएं पूरी होती है वो अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान को यहाँ पे घंटियां भेंट कर देते हैं। श्री झांकर सेन जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पंचनाम देवताओं की कन्या कालिका थी, उसके बेटे गुलजी थे। उनकी लिंग है उसमें पूजे करती थी दूध की। यहाँ से अच्छा ये शिवलिंग हर साल श्रावण मास में हर गांव से झांकर सेन माता निकलती है। दूर दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा झांकर सेन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नहीं रेजिडेंट वाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं श्री झांकर सेन मंदिर जी के दर्शन। और बहुत ही पावन पवित्र और बहुत प्राचीन मंदिर है। श्री जागेश्वर मंदिर के ही निकट श्री झांकर सेन मंदिर है। और ये झांकर सेन मंदिर जो है जागेश्वर मंदिर से भी प्राचीन है। और इसकी कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि ये शंकर जी के अवतार भगवान सैम देवता का यहाँ पे मंदिर है। और भगवान सैम देवता यहाँ पे विराजमान है और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में, फटी शिला खाम के रूप में यहाँ पे भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और सारे उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता अवतरित होते हैं उन सभी के मामा का घर इसे कहा जाता है और उन सभी का ननिहाल इसे कहा जाता है। और सभी देवता श्रावण मास में अपने मामा से मिलने के लिए, मामा के दर्शन करने के लिए, भेंट करने के लिए यहाँ पे अवश्य आते हैं। तो ये श्रावण मास चल रहा है, तो चलिए इस पावन पवित्र मास में मैं आपको ले चलता हूँ इस सुहाने सफर में, श्री झांकर सेन मंदिर के सफर में। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से श्री झांकर सेन मंदिर के लिए। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं और दो रास्ते लगभग 85 से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से पड़ती है। तो एक रास्ते से पहले झांकर सेन मंदिर आएगा और दूसरे रास्ते से पहले जागेश्वर धाम मंदिर आता है। तो दोनों ही आसपास ही हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है दूर की। तो चलिए चलते हैं सफर में, बने रहिएगा हमारे साथ में। अभी तक तो मौसम ने साथ दिया है और भगवान की कृपा से बारिश नहीं हुई है, क्योंकि मैं बाइक में हूँ। अगर बारिश होती है मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ और उम्मीद करते हैं बारिश ना हो तो हमारी यात्रा अच्छी तरह से चलती है। ये अल्मोड़ा देने वाली मेन रोड से अंदर की तरफ झांकर सेन जी के लिए रोड जाते हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर झांकर सेन जी का मंदिर है। आखिरकार हम लोग झांकर सेन जी के चरणों में पहुंच चुके हैं। चलिए आपको भी अंदर ले चलता हूं और दर्शन कराता हूं श्री झांकर सेन जी के। ये झांकर सेन जी का तिलक है जो कि मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहले तिलक मिलेगा। तो यहां जब भी आप आते हैं तो ये तिलक लगवाइए, बहुत शीतलता इससे मिलती है। हमारे सम्मुख है श्री झांकर सेन जी का दरबार। ये मुख्य मंदिर है और ये सामने प्रवेश द्वार है जहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश मिलता है। ये हजारों साल पुराना देवदार का वृक्ष है। ये ध्वजाएं और ये घंटियां यहाँ पे भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई हैं। जो भी यात्रा यहाँ पे आती है वो यात्रा में जो भक्त आते हैं यहाँ पे ध्वजाएं ये चढ़ा के जाते हैं। और साथ ही साथ में कुछ भक्त जिनकी इच्छाएं पूरी होती है वो अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान को यहाँ पे घंटियां भेंट करते हैं। श्री झांकर सेन जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और श्री जागेश्वर धाम से भी प्राचीन इसे बताया जाता है। और यहाँ पे भगवान शंकर जी स्वयं प्रकट हुए हैं इस शिवलिंग के रूप में। जो शिवलिंग यहाँ पे है उसे फटी शिला सेन जी के रूप में जाना जाता है और इसमें किसी भी व्यक्ति की परछाई उसमें नहीं पड़ने जाती, इसलिए इसको ढका हुआ है। चलिए मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको अंदर चल करके पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बाहर के गेट से अंदर प्रवेश करने के पश्चात अंदर हॉल है। इस हॉल के अंदर बीच में एक चबूतरा बना हुआ है, एक छोटा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान है और ये जो मंदिर है एक बीच में एक वृक्ष है, देवदार का वृक्ष। उसी वृक्ष के चारों तरफ ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वृक्ष है ये देवदार का वृक्ष है और हजारों साल पुराना वृक्ष है और ऊपर से पूरा सूख चुका है लेकिन नीचे मौजूद है अभी भी। और बहुत ही बड़ा वृक्ष है, मतलब मैं पूरा अपने दोनों हाथों को फैला करके भी इसको नहीं पकड़ सकता हूँ। ये देख सकते हो, इतना बड़ा वृक्ष है
और इसी के चारों तरफ जो अंदर का छोटा मंदिर है ये मुख्य मंदिर इसमें बनाया गया है। ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, अभी भी ये नीचे मौजूद है और जैसा था वैसे ही अभी विराजमान यहाँ पे है। ये भगवान शंकर जी का शिवलिंग है बाहर वाले हॉल में जहाँ पे परिक्रमा की जाती है, और अंदर जो है वो मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया है ये आरती का दिया है, भगवान की आरती होती है उस समय ये दिया यहाँ पे अभी रखा हुआ है जो कि दिन भर चलते रहता है। और ये घंटियां जो है भक्तों के द्वारा यहाँ पे चढ़ाई गई हैं, और इसी में जो ये हॉल है इसी हॉल की परिक्रमा की जाती है भक्तों के द्वारा, और कई भक्त जो है बाहर से भी परिक्रमा करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भोले बाबा के साथ हमारे श्याम सुंदर जी भी विराजमान है। जय हो, जय श्री राधे श्याम। चलिए अब आपको ले चलता हूँ मुख्य मंदिर के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, चलिए मेरे साथ में। ये पुजारी जी महाराज जी यहाँ पे विराजमान हैं, उनकी इच्छा के उनकी आज्ञा के अनुसार ही हम लोग आपको मंदिर के अंदर की फुटेज वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं, उनसे हमने परमिशन ली, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। बताइए कैसे यहाँ पे भगवान प्रकट हुए और क्या महिमा है उनकी? और महिमा ऐसी है ना, श्याम जी मधु बहुत पहले पुराने हैं, तो जागेश्वर से भी पहले पूर्णत्व मंदिर है ये। हाँ, यहाँ पर जो है मतलब लोग आते हैं, शिव रूपी है, शिव मतलब शिव का एक अंश है, मतलब स्वयं देवता भगवान शंकर जी के अंश है। हाँ, शंकर जी का अंश है। अच्छा, इस वास्ते यहाँ पूजा होती है। जागेश्वर से पहले मंदिर बना है, सबसे बहुत पौराणिक मंदिर है ना ये जी। इसी वजह से मान्यता बहुत ज्यादा है और दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब इधर उधर से लोग बहुत आते हैं, भोग देते हैं, यहाँ बकरी की चढ़ावा करते हैं लोग, लेकिन स्वयं देवता को नहीं चढ़ता है जी। जी। ये तो निर्मंशी हैं, इनको मिर्च तक नहीं लगती है। अच्छा। हाँ, तो बाहर क्षेत्रपाल जो है, क्षेत्रपाल के लिए वो बाहरी बाहर होता है, बाहर रहते हैं, यहाँ अंदर में कुछ नहीं होता है। ऐसा भी सुना मैंने यहाँ पे जो देवी देवता है उनके मामा इनको बोला जाता है। हाँ, गोलू के मामा स्वयं जी थे। अच्छा। गोलू देवता जो है ना जी, गोलू और स्वयं मतलब मामे भांजे थे। अच्छा। हाँ, ये हिसाब रह रहा है। अच्छा। बात है, इनको नेपाल से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, गोल जी भी नेपाल से ही आए हुए, मुझे थौली धुमागढ़ के राजा थे वो जी, पिथौरागढ़ से आगे है ना। हाँ। चंपावत से आगे थौली धुमागढ़ है, कुमाऊं का प्रसिद्ध वो है, वहाँ के राजा है। अच्छा। तो ऐसे ही स्वयं जी उनके मामा बताते हैं, पंचनाम देवताओं की कन्या कालिका थी। अच्छा। उसके बेटे गुलजी ठहरे है ना। हाँ। कालिका माता के पुत्र गुलजी ठहरे, उनके पिताजी के साथ शादियां थी। अच्छा। मतलब कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा। लास्ट में फिर जब माता कालिका आई, उनसे ये गुलजी पैदा हुई। अच्छा। हाँ, जो पेड़ है पीछे उसकी भी कुछ कहानी बताते हैं, इसमें दूध निकलता था। ये है देवदार का पेड़ है, ये यहाँ पे दिख रहा है शायद ना। हाँ, ये जड़ है इसकी। अच्छा, ये पेड़ की जड़ दिख रही है। हाँ। और यहाँ से ऊपर पूरा वृक्ष है, ये मंदिर बिल्कुल ये जड़ ऐसी पेड़ होता है, यहाँ से दूर टपकता था, यहाँ से इस एरिया से, और ये जड़ यहाँ तक है ना। ये तो मतलब हमने वो अब ये लगा दिया है, ये फिलहाल बंद किया हुआ है इसको। ये यहाँ पर जो शिवलिंग है उसमें बूंदे गिरती थी दूध की। अच्छा, यहाँ से। अच्छा, ये शिवलिंग दिख रहा है नीचे। हाँ, ठीक। तो यहाँ उसके दूध टपकता था उसमें से, पेड़ से दूध टपकता था। हाँ, उस पेड़ में एक साधु ने बर्तन लगा दिया। अच्छा। दूध को रोक दिया, शिवलिंग में नहीं चढ़ा, तो पेड़ सूख गया, दूध आना ही बंद हो गया। अच्छा। हाँ, ये मंदिर के अंदर के दर्शन है, और यहाँ पे भगवान शंकर जी का स्वयंभू शिवलिंग है, और साथ ही भगवान की प्रतिमा भी कितनी मनमोहक लग रही है। ये मंदिर के गेट के पास में इस तरह की स्टॉल्स लगी हुई है जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है, और यहाँ से आप प्रसाद हो गया, और साथ ही साथ में घर ले जाने के लिए आपको चूड़ी चरेऊ लॉकेट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और इसी के बिल्कुल सामने मेरी बाई तरफ आप देख सकते हैं ये है पार्किंग एरिया मंदिर प्रशासन का, यहाँ पे अपने वाहन जो है उनको आप पार्क कर सकते हैं।
अगर आप श्रावण मास में श्री ठाकर से मंदिर के दर्शन करने आते हैं, ये दृश्य आपको आमतौर पर मिल जाएगा कि ये है जयपुर यात्रा जिसे बोलते हैं, ठाकर से यात्रा। तो हमारे गांव और आसपास के गांव से सभी लोग, स्पेशली कुमाऊं क्षेत्र के सभी लोग मिल करके अपने गांव से जातुर यात्रा लेकर के श्री ठाकर से मंदिर आते हैं, और जितने भी देव उस गांव में प्रकट होते हैं सभी देव नृत्य करते हुए यहां पर आते हैं, यहां स्नान करके वापस जाते हैं, पूरे गांव वाले मिलकर के यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये भव्य रूप और अत्यंत अद्भुत रूप यहाँ पर आप इस यात्रा का देख सकते हैं। हर साल श्रावण मास में झांकर से मंदिर की पावन तौर की धरती लोगों से, भक्तों से गुलजार हो जाते हैं। ये दृश्य अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है, हर साल गांव वाले इस तरह से आते हैं और झांकर से यात्रा में शामिल होते हैं। तो श्री झांकर से मंदिर जो है अत्यंत पावन और पवित्र मंदिर है, और स्वयंभू रूप में यहाँ पे फटी शिला खाम के रूप में भगवान यहाँ पे शंकर जी स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है, और सैम देवता जिन्हें भगवान शंकर का ही अंशावतार कहा जाता है, तो पहाड़ों में सैम देवता और हरजू सैम जी की बहुत विशेष आस्था है, बहुत विशेष श्रद्धा है। और पहाड़ों में आपने देखा होगा आम तौर पर लोग जागर लगाते हैं, शुरुआत लगाते हैं, देवता प्रकट होते हैं और देव नृत्य होते हैं, तो यहाँ पर विशेष रूप से सैम देवता अक्सर हर गांव में आप देखेंगे सैम देवता प्रकट होते हैं, हरजू सैम जी प्रकट होते हैं। तो ये जो सैम देवता का मंदिर है यहाँ पे अक्सर श्रावण मास में सारे जितने भी देव होते हैं वो आते हैं और भगवान सैम जी के दर्शन करते हैं, और उनको अपने मामा स्वरूप, उनको अपना गुरु स्वरूप मान करके यहाँ पे जो पावन पुत्र नौला है उस पर डुबकी लगा के उस नौले के पावन पुत्र जल से स्नान करके वापस जाते हैं, और फिर एक साल के बाद अगेन फिर जो श्रावण मास आएगा उस मास में वापस आकर के यहाँ पे दर्शन करने के लिए झांकर सेम यात्रा के रूप में आते हैं। तो अभी कुछ दिनों बाद हमारे आसपास के गाँव से भी झांकर सेम यात्रा जाएगी, तो मैं आपको उस यात्रा में भी ले चलूँगा, और बहुत ही आनंद आता है उस यात्रा में, पूरे गाँव वाले मिल करके इस यात्रा में जाते हैं और एक साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का जो प्रतीक है इस यात्रा को कह सकते हैं, और सब लोग मिल करके इस यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।